अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं मॉर्निंग से। और ये देखें, रात में मेरे बेटे ने टॉयज़ वगैरह अपने लगा के रखे हैं इस तरह से, और ज़्यादातर इनमें टूटे हुए टॉयज़ हैं, जो टूट चुके हैं उन्हीं से ज़्यादा उसको खेलना पसंद है। अच्छे टॉयज़ भी हैं बट उसे टूटे हुए टॉयज़ से खेलना ज़्यादा पसंद है। और अभी फ़िलहाल ये सब बिखरा हुआ था पूरा रूम, और ये कपड़े जो कि मैंने कल वॉश किए थे, ये सारे कपड़े अभी मुझे फ़ोल्ड करने थे, तो ये सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं अभी इन्हें थोड़ी देर में फ़ोल्ड करूँगी। और कपड़ों को मैं करने लगी थी फ़ोल्ड जैसे ही मुझे टाइम मिला था। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, आज मैंने वीडियो नहीं डाली है ब्रेकफास्ट की, क्योंकि सेम चीज़ आप एक बार देखते देखते वो बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट की वीडियो शूट नहीं की थी। और काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, और इन सभी कपड़ों के लिए मैंने मशीन लगाई थी, और मशीन से ही मैंने वॉश किए थे, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह जब होती हैं तो, और काफ़ी सारी जीन्स वगैरह जब होती हैं तब मैं मेरे हस्बैंड के कपड़ों के लिए मोस्टली मशीन लगाती हूँ, तो मैंने मशीन से ही सारे कपड़े धोए थे। और मेरे भी कपड़े थे कई सारे, और मेरे बेटे के भी काफ़ी सारे कपड़े, सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे बेटे के होते हैं। वैसे भी बच्चों के कपड़े ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाते हैं, और बच्चों के जल्दी जल्दी भी चेंज करने होते हैं कपड़े। वैसे अब माशाल्लाह से मेरा बेटा बड़ा हो गया है। और ये देखें, लंच में मैंने बनाए थे दही फुल्की, छाछ पकौड़ी भी जिन्हें कहते हैं, बट ये दही में मैंने बनाया है, इनको छाछ में मैंने नहीं बनाया है, तो ये दही फुल्की है। और साथ में मैंने बनाए थे मसाले के चावल, जिनमें मैंने आलू भी डाले थे, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि आई लव बासमती राइस, मैं बासमती राइस का यूज़ करती हूँ मोस्टली, डेली में मैं बासमती राइस ही बनाती हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये मैंने दही फुल्की इसके साथ खाने के लिए बनाया था, क्योंकि प्लेन चावल मुझे नहीं पसंद है, प्लेन नहीं थे ये, मसाले वाले चावल थे, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा दही फुल्की बना लिया था ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा बेटर हो जाए और ज़्यादा अच्छा लगे, और मुझे दही वैसे भी चावल के साथ पसंद है, तो इसलिए मैंने, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे थे इसके साथ, दही फुल्की के साथ मसाले के चावल। तो अब मैंने खा लिया था खाना, दोपहर का लंच हमारा हो चुका था, तो अब उसके बाद में मैं शाम के लिए प्रिपरेशन करने लगी थी आज। तो मैं बनाने लगी थी आलू की सब्ज़ी, आलू की कतली, जो आलू के चंदे भी जिन्हें बोलते हैं, तो वही सब्ज़ी मैं बनाने वाली थी। तो मैं अभी छील रही थी आलू, और बाकी क्लीनिंग वगैरह सब मैंने कर ली है, और उसका भी वीडियो मैंने आपके साथ आज नहीं शेयर किया है, मोस्टली आपके साथ शेयर करती ही हूँ मैं क्लीनिंग का व्लॉग, तो आज मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। और आलू के पीसीज मैंने इस तरह से चिप्स की तरह कट किए हैं, बट मैंने चिप्स से थोड़े मोटे रखे हैं इनको, ना ज़्यादा पतले रखे हैं ना ही ज़्यादा मोटे मैंने रखे हैं इनको, मीडियम मैंने स्लाइस इसके कट किए हैं। और मैं हमेशा चटनी वाले ही आलू की कतली या चंदे बनाती हूँ मैं, हरी मिर्च वाले या फिर मिर्च तोड़कर भी एक चंदे की सब्ज़ी बनती है, मैं वो नहीं बनाती हूँ, तो मैं चटनी वाले ही बनाती हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं कि किस तरह से मैं वो बनाती हूँ, ये वाली रेसिपी आलू के चंदों की। तो अभी मेरे चंदे कट चुके हैं, आलू की कतली मेरी कट चुकी हैं। उसके बाद मैं बनाने लगी थी सत्तू, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गर्मी में, और मैंने बनाया था सत्तू, ये देखें, इसमें चीनी ऐड करनी होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बट मैं नहीं पीती हूँ, मुझे कम अच्छा लगता है, ये कम पसंद है। मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, क्योंकि अब शाम का टाइम था तो वो आ चुके थे, तो उनके लिए मैंने बनाया था। मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर जा रही हूँ सत्तू। मैंने लंच के बाद सीधा शाम में ब्लॉग स्टार्ट किया था, गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा भी रहता है, और ज़रूर पीना चाहिए सत्तू। मैं भी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों इसका टेस्ट नहीं पसंद है, तो इसलिए कम लेती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पी पाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है सत्तू, तो
तो इसलिए उनके लिए मैंने बनाया था। और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा बेडशीट थोड़ी श्रिंक हो जाती है तो मैं उसको ही ठीक कर रही थी, सेट कर रही थी अच्छे से। बच्चे खेलते हैं तो वो शैतानी भी करते हैं और इसी तरह से बिखरता रहता है, घर को समेटते रहती हूँ मैं भी साथ के साथ। अगर ये देखें, टॉयज़ मैंने अपने बेटे के यहाँ से नहीं हटाए हैं क्योंकि उसने मना किया था मुझसे। तो यहाँ पर मैंने आलू के जो मैंने चंदे कट किए थे वो मैंने पानी में अच्छे से भिगो के रख दिए हैं ताकि काले ना पड़ जाएं, ये फौरन काले पड़ जाते हैं। तो अभी मैं फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद में इसको थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी, थोड़ा सा क्या, मुझे थोड़ा अच्छे से गर्म इसको करना है ताकि इसकी हीट निकल जाए, स्मेल ना रहे इसमें। अगर ऑयल की स्मेल रह जाती है कच्ची तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है और सब्ज़ी में टेस्ट भी नहीं आता है, उसकी स्मेल इतनी गंदी लगती है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ मैं पूरी के पहले अच्छे से तेल को पका लूँ मैं, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी पकाती हूँ, मैं सब्ज़ी डालती हूँ या कुछ भी फ्राई करती हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल का एक ये पॉइंट है कि उसको अच्छे से पकाना हो पहले तब उसको यूज़ करें, वरना तो सब्ज़ी में स्मेल आती है कच्चे तेल की। तो इसलिए मैं उसको अच्छे से पकाने के बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और हींग इसमें ऐड कर दिया था और उसके बाद मैंने सीधा ही आलू की कतले इसमें डाल दिए थे। आलू के पीसेस जो मैंने कट करके रखे थे उनको मैंने इसमें डाल लिया था और 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इन्हें फ्राई किया था अच्छे से। तो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाते हैं, पकते नहीं हैं, कुक नहीं होते हैं, बट थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाता है ये आलू फ्राई होके, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। किसी भी सब्ज़ी को अगर आप बनाते हैं और फ्राई करते हैं बनाने से पहले तो उसका टेस्ट वाकई में बढ़ जाता है। आप ट्राई कीजिएगा किसी भी सब्ज़ी को, चाहे वो गोभी आलू हो या फिर आलू बैंगन हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। तो मैंने उसको फ्राई कर लिया था आलू को, उसके ऊपर मैंने चटनी जो मैंने पीस के रखी थी, लहसुन और लाल मिर्ची मैंने साबुत वाली पीसी थी तो उसकी चटनी को मैंने इसमें डाल दिया था। और चटनी एकदम कच्ची थी, भुनी हुई नहीं थी, कच्ची चटनी को मैंने ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया है और इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है। मैंने पानी भी इसमें ऐड नहीं किया है, ये अपने ही मॉइस्चर में पक जाएंगे काफ़ी अच्छे से, पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी नीड नहीं होती है हमें। आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें दही ऐड कर सकते हैं बट मैंने वो भी स्किप किया है क्योंकि इसमें मॉइस्चर था अच्छा खासा, उसी अपने मॉइस्चर से ये पक जाते हैं अच्छे से। और आलू ऑलमोस्ट कुक हो चुके थे तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था और इसको एक साइड पर रखने के बाद में मैं बनाने लगी थी रोटियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे तो जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना था, आज थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने जल्दी से फिर रोटियाँ बनाने लगी हूँ। उसके बाद में आलू के चंदे मेरे बनकर रेडी हैं और ये देखें, ये इस तरह से बनकर रेडी होते हैं जो मैं बनाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इन्हें ऐसे भी आप खाएंगे तो ये ऐसे भी बिना रोटी के आप ऐसे ही इन्हें खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। इन्हें मैं ऐसे ही खाने के लिए भी थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ चंदे की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे भी ये पसंद है कि बिना रोटी के भी इन्हें खाते तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनकर रेडी हुए थे, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आज की आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ तब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।